दादा ओके यार इन लोग के बहुत बोनस की तरह पहली बार रशियन ट्रेन में अपन जा रहे देखो जरा यार यहां पे देखो पहले से तैयारी हो रखी है मेरे वेलकम की हाय हाय सब माय YouTube फैमिली कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू द चैनल। आज भाई का मॉस्को में लास्ट दिन है, आज की ट्रेन है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए 4 बजे और अपन आ रखे हैं इस टाइम खाना खाने के लिए और एक रेस्टोरेंट में बैठे स्लावा है साथ में क्रिस्टीना है साथ में और हमने क्या क्या ऑर्डर किया है वो मैं अभी आपको यहाँ का जो फूड है वो दिखाता हूँ और जो सर्विस है यहाँ की एक नंबर है। ये स्लावा ने अपने लिए ऑर्डर किया है अभी इन्होंने एक टिश्यू पेपर ला के दिया था जिसको रशियन में जैसे अगर आप टिश्यू पेपर मांगते हैं तो आपको ये बोलना पड़ेगा सल्फेट। ठीक है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जो स्टाइल जो यहाँ का ये यहाँ पे इन्होंने ऑरेंज वाटर डाला था और ये इतना सा था और जैसे ही पानी डाला और ये ऐसा हो गया और अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा अभी आपको जब ये थोड़ा सा खाना हो जाएगा ना तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा और जहाँ से मैंने ट्रेन बुक की है और जिस ट्रेन से जा रहा हूँ सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जो मैंने जो मंगवाया था जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ चुका है और जो क्रिस्टीना ने ऑर्डर किया है वो आ चुका है। मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है एकदम वेजिटेबल राइस लाइक पुलाव। ये आपको दिखाता हूँ रशिया में पुलाव होता कैसा। ये है इसमें क्यूकुम्बर है कैरेट है पोटैटो है और ये राइस है रशिया की और उसके बाद क्रिस्टीना ने था इसको क्रिस्टीना какие-то горячие роллы, я не знаю. Hot roll. Из какой? Из какое мясо? Что там? Какое мясо? Краб, по-моему. क्राब। तो ये जो डिश आपको दिख रही है ये डिश मेड ऑफ क्रैब है। तो अपन फिर खाना स्टार्ट करते हैं और खाने के बाद अपन फिर स्टेशन जाएंगे और ट्रेन दिखाऊंगा मैं आपको ट्रेन अपनी है कैसी आज। अभी देखा गाइस भाई आए थे टिश्यू पेपर लेके और जिसको रशियन में सल्फेटी बोला जाता है और यहाँ पे जो इसके अंदर इन्होंने ऑरेंज वाटर डाला था और ये इतना साइज था और जैसे ही इसके अंदर पानी पड़ा ये ऐसे हो गया इतना बड़ा साइज। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसको। ये इतना बड़ा टिश्यू पेपर है, ये साइज है इसका। अब ये देखो अपने पास दूसरा भी है, ये भी इतना छोटा दिख रहा है आपको लेकिन जब आप उसको खोलेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा और इसमें ऑरेंज प्योर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसको ऐसे ऐसे करके साफ हाथ कर सकते हो जो कि बहुत अच्छा है। गाइस इस टाइम मैं पहुंच चुका हूं रेलवे स्टेशन मॉस्को में और थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और स्लावा क्रिस्टीना यार मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए आए यार उनका कितना शुक्रिया अदा करूँ यार समझ में नहीं आ रहा। वो देखो मेरा बैग नहीं रखा था स्लावा ने और ये क्रिस्टीना है। तो थोड़ी देर में ट्रेन में मिलता हूँ मैं आपको। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है हमारी ट्रेन जिस पर अपन सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे हैं और यहाँ पे दो बार चेकिंग होती है, एक बार जब स्टेशन के अंदर घुसते हैं और एक बार जब आप प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते हैं। तो ट्रेन काफ़ी नई सी लग रही है, बाकी देखते हैं अंदर जाके और अंदर जब बैठ जाऊंगा मैं तो मैं आपको जो प्राइस है ट्रेन का वो बता दूंगा। ठीक है सर, इनके प्लेटफॉर्म में एक बात है कि यहाँ पे आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी जिससे आप पानी की बोतल खरीद सकते हैं या कुछ खरीद सकते हैं, मैं एक भी नहीं देखा मैंने अभी तक। और ट्रेन स्टेशन
काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है यार, ये सही है यार, अपने इंडिया में ये चाहिए। देख रहे हो तुम ट्रेन देखो कितनी साफ़ सुथरी है, ये प्लेटफॉर्म देखो कितना साफ़ सुथरा है, लोग देखो कितने हेल्पफुल हैं, बेचारे मेरे को यहाँ तक छोड़ने के लिए आए यार, सल्यूट है यार ऐसे लोगों को। हमारी ट्रेन में टीटी लोग कैसे होते हैं यार, एकदम क्या ही बोलूँ बस। लेकिन यहाँ की टीटी जितनी भी है सारी बहुत अच्छी खूबसूरत है यार, उस मतलब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत है यहाँ की टीटियाँ। मैं आपको अपनी टीटी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर। अपना कोच ये वाला है, एकदम इंजन के बाजू में, तो अब ये देखते हैं अपन अंदर जाके। हाँ Ему только не нужен билет вообще. Я говорю, могут и не спросить, только паспорт. Мне надо посмотреть место. Я сейчас скажу, 23 ниже. Спасибо. Дарю. Чего там сейчас? Сколько у нас до отправления осталось? 8 минут? Нормально, успеваем. 3 минуты уходить. Да, 23 место. Мы пройдем, я помогу сумку. По-русски понимает? Да, да, он хорошо разговаривает. Я немножко говорю по-русски, да. Спасибо большое. Просто я чуть-чуть лучше разговариваю по-русски. 3 минутки и потом надо выходить. Спасибо. Да, 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 спасибо. То есть я опен трен. पहली बार रशियन ट्रेन में अपन जा रहे, देखो जरा यार यहाँ पे देखो पहले से तैयारी हो रखी है मेरे वेलकम की, और काफी सुपर लग रहा है। हाय हाय। возьми, я подобрал, чтобы никто ногу не поцарапал. This is your place. Ah, this is my place. Yes. Window seat, yeah. Yes. Yeah, तुम्हारे भाई ने फिर से window seat book की है. Look this. Thanks to Slava and Kristina. No, 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 no. No, take. You put down here. Uh-huh, okay. Your bag. And this bag? Yes. And this bag too. Uh-huh. Thank you very much. If you want something in the bag. Mm-hmm. Okay, like this. Push the bag and this. Uh-huh. And? And? Okay. And okay, put so down. Постельное белье. Yes. Это полотенце. Полотенце. Towel, your towel. Подушка. Подушка. If you want. Uh-huh. Something. Uh-huh. I can do like this and yes. Yeah. On the clips. Okay. Thank you very much. One more time. Put stall down. Put stall. Up, okay. Put up. Put uh-huh. Put the button. Uh-huh. Uh-huh. And down again. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you very much. One more time. Try. Yeah, I will. I understand. Okay. I understand. I know you understand. О, классно. Красиво видно. Платформа супер. तो ये है अपनी ट्रेन और यहाँ पे अपन बैठेंगे। तुम्हारे भाई ने हमेशा बोला विंडो सीट बुक करने के लिए, तो लेट्स गो आउट एंड लेट्स से बाय बाय। या लेट्स गो आउट फर्स्ट। या लेट्स गो आउट फर्स्ट। तो अपन बाय बाय बोलेंगे बाहर से। सामान मैंने उधर छोड़ दिया, सामान आप आराम से छोड़ सकते हैं, कोई लेके नहीं जाएगा आपका सामान, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और वेलकम के लिए अपन ये खाएंगे अभी थोड़ी देर में। वो पसीबा सुबह पसीबा। सो थैंक यू वेरी मच वन मोर टाइम एंड स्लावा एंड क्रिस्टीना, दे हेल्प मी अलॉट फॉर एवरीथिंग एंड आई रियली नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। डोंट फॉरगेट कॉल मी, ओके? ओके। And welcome to Moscow again. Thank after you. After 4, maybe 5, maybe 6 days. Yeah, yeah, yeah. I will. So. Остановку не пропусти. Да нет, я могу. Хорошо, все окей. Вы минут 20 же, да, в Питере будете стоять. Okay. Если что, сможете тоже подойти там, напомнить, что это Питер уже обязательно. So she will tell me when my station will come. Yeah, she will tell me. Okay. Окей, Юго, Юго. И звони, когда такси надо. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, по времени понимаешь, что пол первого должны там прибыть. Какой вокзал? Ладожский. Ладожский, да. И 20 минут стоянка, а вы на Московском же не останавливаетесь? Нет, на Финском. А? На Финском. Не-не-не-не, это совсем не то. Нет, в Ладожке все правильно, там остановится половин первого. Да? Половин первого же по расписанию. Да. Ну и все. Хорошо, все окей. Все, да, мне позвонит, мы да, на связи, пока, если пока. Что. Пока, слава. Like this and like this. Пока. Спасибо. Ага, спасибо. तो ये है हॉस्पिटैलिटी यहाँ की, और ये पीछे टीटी थी अपनी, जो हमारे पीछे पीछे आ रही है शायद।
काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। किधर गया यार मेरा वो सिस्टम? अच्छा ये अपना बैग। मेरे को लग रहा है मैं अकेला ही हूँ इस ट्रेन के अंदर। ओह क्या बताऊँ यार, जितनी बार मैं थैंक यू बोलूँगा उतना कम यार उन दोनों को। और मैंने सही में मॉस्को के अंदर हर जगह एंजॉय किया, लेकिन जितना इनके साथ में मैंने एंजॉय किया है उतना मैंने अभी तक किसी के साथ में एंजॉय नहीं किया है। तो थैंक यू वेरी मच क्रिस्टीना एंड स्लावा, वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प ऑल द टाइम। गाइस बात करते हैं इसके टिकट की। मेरे को जो इसका टिकट पड़ा है वो पड़ा है मेरे को, मैं टिकट का प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ट्रेन चलने लग जाएगी। फिलहाल मैं आपको ट्रेन की जो बोगी है ना, जो कार है वो दिखाता हूँ मैं आपको। क्वालिटी देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। ये मैट्रेस है, ये सीट है, गद्दा एकदम मस्त वाला है, आराम से आप सो सकते हो। और इसके लिए जो है ना, ये देखो ये जो चादर दिया है मेरे को, इसके लिए मैंने 150 रूबल एक्स्ट्रा पे किए हैं ताकि अपन आराम से सो सके, आराम से बैठ सके। और अपन पहुंच जाएंगे, अभी टाइम हो रखा है 4:30 हो रखा है टाइम, और 5 से 10 मिनट में मतलब 4:50 पे ये ट्रेन यहाँ से चल जाएगी। तो अच्छा है काफ़ी। और ये देखो पूरा एकदम बढ़िया मैट्रेस लगा के रखा है, और शायद मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे इस ट्रेन के अंदर। बाकी देखते हैं जर्नी देख के, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा रशियन ट्रेन में, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन रशिया, सो फर्स्ट टाइम इन रशियन ट्रेन। लेट्स सी हाउ इट विल बी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इन दोनों को, मेरे को क्रिस्टीना एंड स्लावा को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे को ट्रैवल करना था आगे। तो लेकिन अपन फिर से वापस मॉस्को आएंगे, फिर से वापस मिलेंगे, वी विल मीट अगेन। एंड आई इन्वाइटेड टू देम इंडिया, बुलाया मैंने इनको अपने इंडिया में, अपने घर में, मेरा घर मेरा देश, मैं इनको दिखाना। ये एक बार तो आ ही चुके जैसा कि आपको पता है, लेकिन मैं एक बार और इनको अच्छे से घुमाना चाहता हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे ये सिर्फ 10 दिन के लिए आए थे। इस बार मैंने इनको बोला कि अगर तुम आते हो तो थोड़ा ज़्यादा दिन के लिए आना, तो मैं तुमको रियल इंडिया दिखाऊंगा कि रियल इंडिया है कैसा। और सामने आप देख सकते हैं वही ट्रेन चल गई है, ये कुछ दिखता है ऐसा अपनी ट्रेन, देखो चल गई है, देखो दिख रहा है ना आपको, हाँ ट्रेन चल गई है। मज़े लेंगे, देखते हैं। इंडियन ट्रेन से तो हमने काफ़ी बार ट्रैवल किया है, अब इस बार रशियन ट्रेन से ट्रैवल करके देखते हैं। और सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचेंगे 12:30 पे। जो सीट की बात करूँ, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, सामने नज़ारा आपको दिख ही रहा होगा, विंडो सीट तुम्हारे भाई ने बुक की है। तो हमेशा मैं इसलिए बोलता हूँ विंडो सीट बुक करो, आप नज़ारे नहीं मिस कर पाओगे फिर, जैसा कि अभी मैं आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे, फुल मज़ा आएगा। सेंट पीटर्सबर्ग में देखते हैं, वहाँ पे अपना कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ एक ही फ्रेंड है, लेकिन मैंने उनको भी बताया नहीं है, और मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि मैंने कौन सा हॉस्टल बुक करके रखा है, कितने का मेरे को हॉस्टल पड़ा है, ये टिकट का प्राइस कितना, ये ट्रेन का, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा धीरे धीरे। तो वीडियो तो अभी शुरू हुई है, अपन धीरे धीरे सब कुछ बताएंगे आपको। और आप ट्रैक देखो, यहाँ के ट्रैक कितने साफ़ सुथरे हैं यार, ये देखो ट्रेन एक जगह पे पता नहीं कहाँ पे रुक गई है, और मेरे सामने भी 2 बुलेट ट्रेन पास हुई है यहाँ से। और अभी मैं आपको यहाँ का इस ट्रेन का टॉयलेट दिखाने के लिए जा रहा हूँ, और ये भाई हमारे उज्बेकिस्तान से हैं, से हेलो। तो यहाँ पे काफ़ी लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी कंट्री से, तो मैं आपको यहाँ का टॉयलेट दिखाता हूँ कैसा है। ये है यहाँ का टॉयलेट, देखते अंदर कैसा सिस्टम है, वो क्या बात है। थोड़ा मेरे को भी सुसू करना है इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारा भाई है, दिख रहा है क्या? तो भाई यहाँ पे अपन हाथ धो सकते हैं, यहाँ पे अपन जो सिस्टम करना वो कर सकते हैं, यहाँ पे फेंक सकते हैं। और आपको पता है धोने का सिस्टम यहाँ पे होता नहीं है रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। तो पहले मैं मेरा प्रोग्राम कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। टाइम लग रही है मेरे को थोड़ी सी भूख, और पब्लिक यहाँ पे सो रही है, तो टीटी से चाय के लिए पूछते हैं, हो सकता है चाय अपने को मिल जाए यहाँ पे। Да, черный, зеленый. А, черный можно?
черный. Сахар нужен мне? Да, да, сахар был, да. Чаю что-нибудь. तो यहाँ पे अपन चाय भी पी सकते हैं और यहाँ पे जो टीटी है उनका सारा काम रहता है, क्या बोलते हैं, साफ़ सफाई का। ये नहीं कि अपने इंडिया में जो टीटी रहता है वो सिर्फ टिकट ही चेक करेगा उसका, यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं। यहाँ पे ये टीटी ये बर्तन भी उठाएंगी और जो बिस्तर जो हमें दिया है वो बिस्तर भी यही सही करेंगी, और यहाँ की पूरी बॉगी की साफ़ सफाई की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो एक आदमी के ऊपर इतना सारा काम दे रखा है जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उस हिसाब से इनकी पेमेंट भी होगी और कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता, और सारी पब्लिक अपने को देख रही है। हाई स्कूल का स्टोर था। Чай 45 рублей пакетик, один пакетик сахара 5 рублей. Ага. Что-то еще из шоколада? Вот это сколько стоит? 65. 65, это хорошо. То... Давай вот это. Печенье. Да. Как сладкий или как? Ну, средний. Средний, да? Вкусно, да? Вкусно. Хорошо. Давай. Вот это. То ये है 65 रुपीस का बिस्कुट का पैकेट है जो मैंने खरीदा है, और चाय सोरक प्याज यानी कि 45 रुपीस की चाय है, प्लस आपको 5 रुपये शक्कर के देने पड़ेंगे, बोले तो 50 रुपये की चाय, टोटल 115 रुपये का सिस्टम बैठ गया। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, चलेगा, लेकिन अभी चाय बना के दी उन्होंने। देखा कितनी तेज अभी बुलेट ट्रेन गई है, अभी इसी चक्कर में ट्रेन रुकी है, अभी तीसरी ट्रेन जा चुकी है और पता नहीं और कितना टाइम लगेगा उसको और चलने के लिए। और इस टाइम अपन चाय लेके आए थे अभी आपके सामने, और ये बिस्किट का पैकेट है, चाय पीते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं सफ़र को, और कुछ प्राइवेट लम्हे जिसे बोलते हैं वो रखते हैं। बाकी जो टिकट का प्राइस है ट्रेन का और संत पीटर्सबर्ग जो पहुंचने का टाइम है मैं आपको थोड़ी ही देर में अभी चाय पी के बताता हूँ। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं संत पीटर्सबर्ग में, और ये रही अपनी पीछे ट्रेन, और यहाँ से मैं अब जा रहा हूँ हॉस्टल। हॉस्टल यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, अपन टैक्सी करेंगे, नहीं तो स्लावा ने मेरे को बोला था जैसे तू पहुँच जाएगा मेरे को कॉल कर देना, मेरे को कॉल कर देना, मैं वहीं से ही बैठे बैठे अपने घर से ही बैठे बैठे टैक्सी बुक कर दूँगा तेरे लिए। तो अभी स्लावा को मैं बता देता हूँ क्योंकि माई फर्स्ट टाइम हियर, मेरे को पता नहीं है अभी कैसे कैसे क्या करना है, एक्साइटमेंट है थोड़ी सी, और एग्ज़िट कहाँ है वहाँ से। तो बाकी का मैं हॉस्टल पहुँचने के बाद आपको बताता हूँ, टैक्सी बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और मैं स्लावा को कॉल करने जा रहा था उससे पहले उसने मेरे को कॉल कर दिया, यानी कि वो मेरे को देख ही रहा था कि मैं कब तक पहुंचूंगा। और यहाँ की एक खासियत और बता दूं, अपने इंडिया में ट्रेनें लेट हो जाती हैं लेकिन यहाँ पे ट्रेनें लेट नहीं होती यार, 12:30 पे पहुँचा दिया। तो खबर कुछ ऐसी है, स्लावा ने मेरा नंबर जो रशिया का नंबर है वो टैक्सी वाले को दे दिया है, और टैक्सी वाला भी आ रहा है, और वो जैसे यहाँ पर पहुँच जाएगा कॉल कर देगा मेरे को। ये कुछ ऐसा यहाँ का स्टेशन दिखता है, ये पीछे आपने देखा था ये स्टेशन है, और ये शायद मॉल है यहाँ का, इस सिटी का या इस एरिया का। एक्साइटमेंट है थोड़ी थोड़ी, और इस टाइम रात के हो रहे हैं 1:30 हो रहा है, और आप देख सकते हो अभी भी क्या बोलते हैं कि दिन जैसा उजाला हो रखा है। क्यों? क्योंकि अभी संत पीटर्सबर्ग में वाइट नाइट चल रही है, और स्पेशली तुम्हारा भाई यही दिखाएगा आपको संत पीटर्सबर्ग की वाइट नाइट, जो कि बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी टैक्सी, एंड अपन स्कूल का ब्रेनी बोधित अच्छूदा 13 मिनट क्रश हो, तो 13 मिनट लगेंगे यहाँ से जाने में। तो देखते हैं हॉस्टल पहुँचने के बाद। तो
वेलकम टू संट पीटर्सबर्ग। अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है यहाँ पे और काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं यहाँ पे देखने के लिए। मैंने इंटरनेट पर भी चेक किया था और ये भाई भी बता रहे काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं देखने के लिए। और रेलवे स्टेशन से अपना हॉस्टल कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे हॉस्टल। और उसके बाद मैं आपको एक बार रूम का तो चलो मैं अगली वीडियो में दिखा दूंगा आपको, लेकिन हाँ ट्रेन का प्राइस मैं आपको बता देता हूँ अभी। चलो जो मैंने टिकट बुक किया है वो 1350 रूबल्स का है मैंने टिकट बुक किया, प्लस 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे किए हैं ब्लैंकेट बेडशीट और टावल के लिए। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 7-8 घंटे रहोगे तो बिना टावल के बिना बेडशीट के लेटना उठना बैठना रहता है तो चलेगा काम आपका, है ना। तो 150 रूबल्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, टोटल मेरे को 1500 का रूबल्स का टिकट पड़ा है। तो अपना इंडिया का और रशिया का जो प्राइस है रुपीज़ का एंड रूबल्स का सेम ही है। तो बस इतना ही है बस आज की वीडियो में, और थोड़ी देर में हॉस्टल पहुँचते हैं और उसके बाद अगली वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्टी की अपनी, अगर पार्टी कहीं पर मिलती है और ज़्यादा महंगी नहीं हुई तो, क्योंकि अपन बजट ट्रैवल है ना, बजट करके देखेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको फिर।